हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सम खान और आप देख रहे हैं मजेदार कॉलेज। तो मैं आगे आपके लिए एक और वीडियो लेकर आई। ये जो वीडियो है ये है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी स्टैंडर्ड 12th के ऊपर। ठीक है, हम इसका देखने वाले हैं इवोल्यूशन प्लान। आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। ठीक है, तो इवोल्यूशन प्लान में हम क्या समझने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि इसका अकाउंट्स का वेटेज क्या है, मतलब तो चैप्टर्स कितने कितने मार्क्स के लिए हैं और कितने चैप्टर्स है और उसका पेपर पैटर्न क्या होगा। ठीक है, सो चिल्ड्रेन, ये जो मैं बात कर रहा हूँ मैं स्टैंडर्ड 12 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड की। ओके, सो आपका वेटेज और पेपर पैटर्न समझने से पहले देख लेते हैं कि आपका जो अकाउंट्स का पेपर है वो कितने मार्क्स के लिए आता है। तो देखिए, रिटर्न एग्जामिनेशन आपका 80 मार्क्स का होता है और एप्लीकेशन बेस्ड है आपका 20 मार्क्स के लिए होता है, टोटल हो गए 100 मार्क्स। रिटर्न एग्जामिनेशन क्या है, तो आपको पता ही है, बोर्ड का पेपर होता है 80 मार्क्स का। और एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट क्या होगा, जो कॉलेज की तरफ से होता है। ठीक है, जो हमको जिसे हम इंटरनल एग्जाम भी बोलते हैं। ओके, ये 20 मार्क्स आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं, टोटल आपके हो गए 100 मार्क्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वेटेज ऑफ द चैप्टर। देखिए, चैप्टर नंबर, चैप्टर्स, यूनिट, टोटल मार्क्स और मार्क्स बुक ऑप्शन। जैसा मैंने OC SP ECO में बताया, टोटल मार्क्स और मार्क्स बुक ऑप्शन अकाउंट में भी सेम है। ठीक है, सो टोटल मार्क्स में से आप प्रॉब्लम कितने मार्क्स के लाएंगे और ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स के लाता है वो हम देखेंगे। के बाद ऑप्शन के साथ प्रॉब्लम कितने मार्क्स के लिए आती है और ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 है आपका इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड फाइनल अकाउंट। ये आपका, इसका जो प्रॉब्लम है वो 12 मार्क्स के लिए आते हैं और ऑब्जेक्टिव 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, और ऑप्शन के साथ भी सेम होता है, 12 मार्क्स के लिए आता है प्रॉब्लम और 4 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव। चैप्टर 2 आपका है अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट कंसर्न, सेम 12 मार्क्स का प्रॉब्लम और 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन के साथ भी सेम है। NPO बोलते हैं इसे। ठीक है, अकाउंट फॉर नॉन प्रॉफिट कंसर्न हम NPO बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, अब चैप्टर 3 जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनर, इसका ऑब्जेक्टिव जो है टोटल मार्क्स का वो 2 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, और मार्क्स विद ऑप्शन में भी ये 2 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम कितने मार्क्स के लिए आती है टोटल मार्क्स के और मार्क्स विद ऑप्शन की बताता हूँ। देखो, चैप्टर 4 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये भी सेम 2 मार्क्स का टोटल मार्क्स में से इसका ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स के लिए आता है और ऑप्शन के लिए भी ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, सो चैप्टर 5 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, 2 मार्क्स विद ऑप्शन एंड टोटल मार्क्स। चैप्टर 6 बिल ऑफ एक्शन, ठीक है, 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा टोटल मार्क्स में से और मार्क्स विद ऑप्शन में से भी ये 2 मार्क्स के लिए, ऑप्शन में से भी ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, सो अब प्रॉब्लम जो आती है टोटल मार्क्स की वो 20 मार्क्स की आती है और ऑप्शन के साथ ही 40 मार्क्स। कैसे, देखो, एडमिशन और रिटायरमेंट में से आपको एक सम सॉल्व करना होता है। ठीक है, 10 मार्क्स के लिए आता है तो वो 10 मार्क्स हो गए, और डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्शन में से आपको एक सम सॉल्व करना होता है उसके 10 मार्क्स आ गए। तो ये चारों चैप्टर मिला के आपको 20 मार्क्स के लिए आते हैं। ठीक है, ऑप्शन के साथ कितने हो गए 40 मार्क्स के लिए, और ये उसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और ऑप्शन के साथ भी ऑब्जेक्टिव सेम ही आते हैं। तो चैप्टर 7 सेम डेथ ऑफ पार्टनर, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव का 1 मार्क्स के लिए आता है और मार्क्स के ऑप्शन, मार्क्स के ऑप्शन के लिए भी 1 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ शेयर, की भी ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स के लिए आता है, ऑप्शन के साथ भी 1 मार्क्स के लिए। चैप्टर 9 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी 1 मार्क्स के लिए, ऑब्जेक्टिव भी 1 मार्क्स के लिए आता है, ऑप्शन के साथ भी। चैप्टर 10 कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, इसका ऑब्जेक्टिव भी 1 मार्क्स के लिए आता है, ऑप्शन के साथ भी 1 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, अब इसकी प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम आती है 16 मार्क्स के लिए। ठीक है, मतलब क्या कि इन दोनों में से एक सम आएगा सॉल्व करना होगा 8 मार्क्स का, और इन दोनों में से एक सम आएगा सॉल्व करना होगा 8 मार्क्स का, तो ऐसे टोटल हो गया 32। ठीक है, ओके, ऑप्शन के साथ ही 32 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, सो उसका जो टोटल हो गया वो है 60 और 20। ठीक है, देखो सम जो रहेंगे इसमें से आप कैसे मार्क्स के पेपर में से सम जो रहेंगे वो 60 मार्क्स के सम रहेंगे, और 20 मार्क्स का आपका क्या रहेगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और ऑप्शन के साथ जो सम रहेगा वो 96 मार्क्स के रहेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा 20 मार्क्स का। सो टोटल हो गया आपका 80 मार्क्स का पेपर हो गया और ऑप्शन के साथ आपका पेपर बनता है 116 मार्क्स का। समझ में आया? ठीक है, तो ये था वेटेड ऑफ द चैप्टर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न। ठीक है, तो आपका जो पेपर पैटर्न वो 3 घंटे का होता है और मार्क्स जो है वो 80, जैसा कि हमने वेटेड में देखा। ठीक है, पहला जो आपका है क्वेश्चन वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए। ओके, इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स ऑब्जेक्टिव के, देखते क्या क्या टाइप्स है। सबसे पहला टाइप है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन 5 मार्क्स। टाइप 2 गिव वन वर्ड फ्रेज टर्म 5 मार्क्स। टाइप 3 स्टेट ट्रू और फॉल्स विद रीजन 5 मार्क्स। टाइप 4 फाइंड द ऑर्डर ऑफ 5 मार्क्स। टाइप 5 कंप्लीट द सेंटेंस
5 मार्क्स के लिए। टाइप 6 आंसरिंग वन सेंटेंस 5 मार्क्स। टाइप 7 डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट 5 मार्क्स। टाइप 8 कैलकुलेट द फॉलोइंग, ठीक है आपको कुछ दिया रहेगा उसको कैलकुलेट करना है, सम दिया रहेगा, ओके 5 मार्क्स के लिए। पास आएंगे एक एक मार्क्स के लिए, ठीक है। सो टाइप 9 दिस स्पेसिमेन ऑफ द फॉलोइंग, ये क्या है आपको बताऊंगा बाद में। और लास्ट टाइप 10 कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल 5 मार्क्स। तो आप पूछोगे सर 20 मार्क्स के लिए हमको इतना सारा पढ़ना है क्या? देखिए पढ़ना तो आपको ये 10 है, लेकिन ये 10 एग्जाम में आएंगे क्या? 10 के 10 टाइप देखो, एक नोट आया क्या लिखा है, फ्रॉम द अबाउट टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चन एनी 4 विल बी आस्क्ड। मतलब क्या, जितने भी जो टाइप है सब टाइप है इसमें से कोई भी 4 पूछा जाएगा। मान लो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन 1 1 2 और फाइंड द ऑड वन आउट आता है, तो एक कितने मार्क्स के है 5 मार्क्स, तो ऐसे कितने आएंगे 4, 5 × 4 हो गए 20 मार्क्स। समझ में आया? तो पढ़ना आपको 10 के 10 है, लेकिन इसमें से कोई भी 4 आएंगे 5 मार्क्स के लिए, तो ऐसा हो गया आपको ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स के लिए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सम आएंगे, ठीक है, देखते जैसे हम किसके ऊपर है। देखिए सो एडमिशन ऑफ पार्टनर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, मतलब सम जो आएंगे आपको एडमिशन के ऊपर भी आएगा रिटायरमेंट के ऊपर भी आएगा, जैसे कि मैंने आपको वेटेज में बताया था, ठीक है। इसमें से कोई एक करना है 10 मार्क्स का सम है। क्वेश्चन 3 सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, अब इसके अंदर भी सम आएंगे, देखते किसके ऊपर सम आएंगे। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, या तो आपको डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करना है या फिर आपको बिल ऑफ एक्सचेंज करना है, कोई भी एक करना है 10 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन 4 सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें भी सम आएंगे, कितने मार्क्स के लिए 8 मार्क्स के लिए। कौन से कौन सा सम हो सकते हैं, इश्यू ऑफ शेयर होगा या फिर कंप्यूटर अकाउंटिंग, मतलब आएंगे आपको दोनों, ठीक है। तो आप ये आपके ऊपर है कि आप इश्यू ऑफ शेयर करो या कंप्यूटर इन अकाउंटिंग करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, ये भी 8 मार्क्स का सम आएगा, ठीक है। डेथ ऑफ पार्टनर ऊपर आएगा और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऊपर आएगा, अब ये आपके ऊपर है, इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है, 8 मार्क्स के लिए आएगा आपको। और क्वेश्चन नंबर 6 जो आएगा वो आएगा एनपीओ का सम, ठीक है, 12 मार्क्स के लिए, इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो किसके ऊपर है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का सम आएगा, ये भी 12 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। तो टोटल आपका मार्क्स हो जाएगा 80 मार्क्स, आ गया आपको समझ में, ठीक है। तो हमने वेटेज समझ लिया और क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या था वो भी हमने समझ लिया। तो आई होप चिल्ड्रन अगर आपको इस वीडियो में समझ में आया हो, ठीक है, और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट टाइम से OCSE को के जो चैप्टर्स है वो धीरे धीरे करके आपको करने वाला हूँ, ठीक है। सो हम आसान तरीके में इस चैनल पर हम देखेंगे OCSE का जो कॉन्सेप्ट है वो आसान तरीके से हम समझने वाले, इवन इंग्लिश भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड्स को जाके बता दो कि आसाम सर आ चुके हैं, ठीक है, और हम जो है बहुत आसान तरीके से बहुत ईजी वे में सीखने वाले, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतने आसान तरीके से सिखाऊंगा कि आप जब भी एग्ज़ाम में बैठो तो आपको कोई दिक्कत ना हो उसमें, ठीक है, आप तुरंत ही पेपर जो अपना सॉल्व कर लो, ठीक है। सो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे चैनल को भी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए और